हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं, जब कोई हमें लीनियर ग्राफ एक दिया हुआ हो और उसके साथ साथ कुछ लीनियर इक्वेशंस भी दी हुई, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि इन लीनियर इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ एक्चुअली एक्सप्रेशन है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम लोग लेके आए हैं एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और मेरा नाम ऋषभ बंधु है, मैं आपका पढ़ाई प्लानेट के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो लेट्स बिगिन हियर। Alright, so we've got example number 8, and in this we have three different figures दी गई हैं। इन तीनों ही different figures में हम लोगों को तीन graphs दिए हुए हैं। हम लोगों को हर graph के लिए चार different equations भी दी गई हैं। We need to identify the right equation out of these four equations, which is actually the expression of the linear graph. So let's have the figure number 1 here. फिगर नंबर 1 में हमें चार इक्वेशंस दी गई हैं। हम लोग पहली इक्वेशन के ऊपर सबसे पहले काम करते हैं। करना ये है कि हमें जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनमें से पहले कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं सबसे पहले, और उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग एक्स वेरिएबल की वैल्यू के स्थान पर पुट करेंगे और वाई वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब ये जो वाई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आई है, ये वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं आई है, एंड दैट मीन्स this particular point is not satisfying the given equation. So we can drop this. What it means is basically ये line इस equation की नहीं है, right? So we'll now move on to the next equation. Next equation is y is equal to 2x. इसमें भी हम लोग यही करेंगे, जो coordinates हमें दिए हुए हैं उसमें x coordinate की जो value है उसको हम लोग x variable के स्थान पर रखेंगे और y की value निकाल लेंगे, and we see that it is coming exactly equal to the value of the y coordinate. That means ये coordinate इस equation को satisfy कर रहा है। तो ये बात तो पक्की हो गई, लेकिन ये पूरी line इस equation को satisfy कर रही है या नहीं, उसके लिए at least one more point, एक और point हमें जो है वो check करना होगा। तो हम इसी line का दूसरा वाला एक point check कर लेते हैं। उसके दोनों coordinates हैं हमारे पास, x coordinate की value रखते हैं और y के value की, y variable की value को identify कर लेते हैं, calculate कर लेते हैं। And we see that y is equal to 2x is actually satisfying the given equation, the given linear graph within the figure. That means यही वाली वो equation है जो हम ढूंढ रहे हैं, यही हमारा correct answer है. So now let's move on to the figure number 2 here. अब figure number 2 में भी हमारे पास चार equations हैं. पहली equation को ले लेते हैं, करना exactly वही है, x की value को हम लोग इसके अंदर put करेंगे, y की value को calculate करेंगे. Now, what happens is, y की वैल्यू जो है वो उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन नाउ, एंड वी सी दैट नेक्स्ट इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो नाउ वी विल चेक आउट द थर्ड वन। ऑलराइट, सो थर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 1 रखते हैं और देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। So the value of y which is coming here is 6. That means this particular equation is getting satisfied with the coordinates 1, 6. तो अब हम लोग इसी लाइन का दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसको भी चेक कर लेते हैं इस लाइन, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके। तो हम देखते हैं x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट द वैल्यू ऑफ y कम्स। सो नाउ वी सी दैट द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो कमिंग एग्जैक्टली टू द वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स जो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें जो दिए गए हैं इस लाइन के, वो इस इक्वेशन के ही सॉल्यूशंस हैं, एंड दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। सो हमारी सेकंड फिगर का आंसर है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फिगर। सो वी हैव द थर्ड फिगर हियर, और हम लोग पहली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, एंड वी फिगर इट आउट दैट इट इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड विद द गिवन कोऑर्डिनेट्स। Similarly, the second and third equations are also not getting satisfied. Question को देख लेते हैं, that is y is equal to 2x minus 4, and then we see that the value of the y which is coming is 0. That means coordinates 2, 0 are satisfying the equation. इसका मतलब ये 2, 0 एक solution है इस equation का। अब हम लोग इसी line के और कोई भी और point को भी test करके देख लेते हैं इस equation के अंदर। So let's check out the next point, and that is -1, -6. यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है,
और y की वैल्यू -6 आ रही है. इसका मतलब यह है कि -1 -6 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग आर इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू 2x -4. That means this particular line is actually the representation of the linear equation, which is y is equal to 2x minus 4. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा example यहाँ पर solve कर लिया है. Let's move ahead to the next video now. Keep watching these videos, subscribe this channel, and you will get good videos. Thank you so much. Have a nice day.